this lecture are fashion design. Hello students, welcome back. So I hope you are all excited for the this chapter, that is magnetism, magnetic material chapter ka naam, sabse easy chapter, sabse chota chapter, but yes it is important and I know you know this chapter very well. So is chapter mein kaun se questions karne hain, kya karna hai, let us go through it. Sabse pehle hame kuch concept pata hona chahiye, jaise ki बार मैग्नेट के बारे में पता होना चाहिए. बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, ओके, दैट यू शुड नो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सबसे पहले आपको बार मैग्नेट का क्या चाहिए, मैग्नेटिक मोमेंट, थोड़ा बहुत छोटा बहुत कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए 11th स्टैंडर्ड में से, देन यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद द चैप्टर. ओके, तो चलो फिर अभी सबसे पहला पेज ही इंपॉर्टेंट है. इसमें बात की है, I will discuss, we were discussing on the torque acting on a magnet. 11.2, yes, but chalo, magnetic field mein agar aapne ek bar magnet rakha, okay, magnetic field mein aapne ek bar magnet rakha, to uske upar hamesha kya lagta hai, torque, aur us torque ka formula hai mb sin theta, okay, where m is the magnetic dipole मोमेंट. व्हाट इज स्मॉल m, इट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. तो बच्चा सबसे पहले तो ये फॉर्मूला लर्न कर दो अच्छे से कि मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक क्या रख दिया, बार मैग्नेट रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक बार मैग्नेट रख दिया तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है. फॉर्मूला क्या है, mb sin थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन m एंड b. तो ये पहला फॉर्मूला याद रखना है. आप ये फॉर्मूला याद रखोगे तो ही आप ये पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट कर पाओगे. तो पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस mb cos थीटा, एकदम इजीली आप इसको कर सकते हो, ठीक है. इसके ये जो तीन केसेस है, केस वन, केस टू एंड केस थ्री, बिलीव मी दिस केसेस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होती है, जब एंगल जीरो है, ओके, एंटी पैरेलल रहेगा तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी रहती है, एंगल जब 180 बनेगा, और 90 एंगल पे आप देख सकते हो कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो. तो ये जो पॉइंट्स है केस वन, केस टू, केस थ्री, आप इसको बहुत अच्छे से याद रख के जाना, एक मार्क का एमसीक्यू आ सकता है कि भाई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या है, अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या है, तो ये यहां पे लिखा हुआ है, ओके. फिर आता है चैप्टर का नेक्स्ट आंसर जो कि ऑसिलेशन चैप्टर में से है. ये जो पार्ट ये चैप्टर में लिखा हुआ है वो बेसिकली एंगुलर एसएचएम है, और वहां पर भी तुम लोगों ने पढ़ा है, यहां पर भी पढ़ा हुआ है एंगुलर एसएचएम का कॉन्सेप्ट. तो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ठीक है. आपको थोड़ा सा इसको रिवाइज करना है, एंगुलर एसएचएम ऑसिलेशन वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है. एक बार आपने ये कर दिया तो एंगुलर एसएचएम का एग्जांपल क्या है, कि आप मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट को रखते हो तो मैग्नेट क्या करता है, एंगुलर एसएचएम करता है. तो उसका टाइम पीरियड कितना रहेगा, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है. सो आई विल गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट. तो क्वेश्चन कैसे आएंगे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा रीडिंग अच्छे से करना, ये इसलिए मैंने मार्क करके दिया. तो सबसे पहले है पोटेंशियल एनर्जी, ओके, का एक्सप्रेशन और उसके तीन केसेस, ये एक बार अच्छे से पढ़ लेना. ये पढ़ने के बाद यू कैन सॉल्व दिस टू सम्स, ओके. फॉर्मूला बेस्ड सम है, ज्यादा तुम लोगों को दिमाग लगाने का जरूरत नहीं, आराम से आ जाएगा, ठीक है. फॉर्मूला याद रखना है. ये होने के बाद देन आपका एंगुलर एसएचएम चालू होता है, तो एंगुलर एसएचएम में मैग्नेट सस्पेंडेड इन मैग्नेटिक फील्ड है, बराबर है. तो उसका कौन सा क्वेश्चन करोगे, उसका टाइम पीरियड फाइंड करना, ठीक है. क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड, ये वाला क्वेश्चन तो रेड में दिया हुआ, इंपॉर्टेंट है, चार मार्क के लेवल का क्वेश्चन है. और मेन बात मतलब क्या है, ये ऑसिलेशन चैप्टर में भी है और मैग्नेटिज्म चैप्टर में भी है, दोनों चैप्टर में. तो आप उधर से करो या फिर इधर से करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, टाइम पीरियड फाइंड करना.
और फिर उससे टाइम पीरियड से रिलेटेड ये दो क्वेश्चंस, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने नीचे लिंक में दिए हुए, ड्राइव के लिंक दिए, पीडीएफ के लिंक दिए, आप ओपन करो, आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है बच्चा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर एंड वेरी इजी, राइट। तो ये स्टार्टिंग पार्ट है चैप्टर का। तो हमने सबसे पहले क्या कर दिया, दो आंसर्स किए, दो, सिर्फ दो आंसर। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बार मैग्नेट, और दूसरा मैग्नेट को अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड किया तो वो एंगुलर SHM करता है, उसका टाइम पीरियड क्या है। ये दो क्वेश्चन उसके सम्स हो गए। फिर चैप्टर स्टार्ट होता है एंड चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट आंसर मेरे हिसाब से इज द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है इलेक्ट्रॉन का। यस बच्चा, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, फॉर्मूला आपको पता है, EVR अपॉन 2। तो ये वाला डेरिवेशन आपको करना है और इस वाले डेरिवेशन को आप एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। दैट इज ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दोगे तो EL अपॉन 2m हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूला को आपने एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म में लिखा हुआ है, राइट। फिर इन दोनों का रेशियो को हम क्या बोलते हैं, गायरोमैग्नेटिक रेशियो। वो रेशियो लर्न करके जाना, एक मार्क के लिए आ सकता है एग्जाम में, गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या है या फिर बोर मैग्नेटॉन क्या है, ठीक है। तो ये सबसे पहला डेरिवेशन है, उसके बाद आप करने वाले हो गायरोमैग्नेटिक रेशियो और बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। डन, दो आंसर कर दिए, एक ही सम कर दो, ठीक है। अभी आप इधर से भी देख के कर सकते हो कि यहां पे स्पीड दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। अपने को क्या फाइंड करने का है, व्हाट यू हैव टू फाइंड इज द मैग्नेटिक मोमेंट। ई बताया, वी दिया है, आर दिया है, तो मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है, दो मिनट का काम है, आराम से हो जाएगा। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इजी बच्चा, श्योर। तो ये हो गया चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में घूमता है तो वो मैग्नेटिक मोमेंट बनाता है, फॉर्मूला EVR अपॉन 2, एंड दैट इज द ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है। क्योंकि अपने चैप्टर का नाम क्या है, मटेरियल मैग्नेटिज्म। तो अभी हम मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या है, और ये दो आंसर, ओके, वेयर यू फाइंड परमियाबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी में रिलेशन, या फिर एक सोलेनोइड में आपने क्या इंसर्ट किया, एक मटेरियल, एक आयन वगैरह इंसर्ट कर दिया, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी, ऑब्टेन द रिलेशन। ये सारे क्वेश्चन जो है मटेरियल मैग्नेटिज्म से रिलेटेड, ये करना बच्चा। इसमें मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक कर रहा हूं, ये काफी इंटरेस्टिंग है, ओके। ये मेन पार्ट है चैप्टर का, क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले, मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला है, ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, ये सारी चीजें इसमें, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि ये आप अच्छे से करो, क्योंकि इसमें दो मार्क का न्यूमेरिकल डिजाइन होता है, यस, इतने न्यूमेरिकल, इसके न्यूमेरिकल थोड़े से कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूले ज्यादा है। तो आप देखोगे ये डिफाइन मैग्नेटाइजेशन, तो आपको लगेगा कि यार ये सिर्फ डेफिनेशन है, पर एक्चुअली इसमें फॉर्मूला भी आता है कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट कोऑर्डिनेट वॉल्यूम, बात समझ में आ रहा है। तो ये सारे छोटे छोटे जो डेफिनेशन है, ससेप्टिबिलिटी बोलो या फिर मैग्नेटाइजेशन बोलो, ये डेफिनेशन है, पर एक्चुअली इसमें फॉर्मूलेज भी है, और उन फॉर्मूला पे आपको सम सॉल्व करना है। मैंने आपको बहुत सारे सम्स दिए, टोटल 7 सम्स दिए हुए, क्योंकि छोटे छोटे सम है, आई डोंट वॉन्ट यू आर लूजिंग 2 मार्क्स, ओके। ऊपर जो लिंक आया था उसको आपने क्लिक अगर करोगे तो ये सारे आपकी कॉन्सेप्ट आराम से सॉल्व हो जाएंगे, आराम से, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं, ठीक है बस। और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट आंसर है, यू टू एक्सप्लेन अ फेरोमैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन थ्योरी। कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को ऑप्शन में छोड़ के नहीं जाएगा, ओके। एक्सप्लेन अ फेरोमैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन थ्योरी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोल्ड रेड में दिया हुआ है मैंने, ठीक है। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, ओके। क्यूरी टेम्परेचर मतलब क्या, क्यूरी लॉ मतलब क्या, और व्हाट इज मैग्नेटिक शील्डिंग, ओके। तो ये सारे थियोरेटिकल क्वेश्चन है जो कि 2 से 3 मार्क के लिए आपको एग्जाम में आ सकते, न्यूमेरिकल नहीं तो ये तो आ सकते। बेसिकली फेरोमैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन थ्योरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट आंसर है, तो डोंट फॉरगेट टू डू दैट क्वेश्चन वेरी नाइसली। बाकी सब आप जनरल नॉलेज है कि भाई डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक क्या फर्क है, आप 4 पॉइंट आराम से खुद से लिख सकते हो, मैग्नेटिक शील्डिंग वगैरह क्या है,
क्यूरी टेम्परेचर क्या है, क्यूरी लॉ क्या है, सिंपल है। 1 मार्क का एमसीक्यू आ सकता है, 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, छोटे मोटे क्वेश्चन। ओके, तो ये पार्ट छोटे मोटे क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। इतना करोगे तो एक्चुअली टेक्स्ट बुक रीड करने का भी जरूरत नहीं, आपका मैक्सिमम चीज हो जाएगा। इसमें भी लास्ट में सिर्फ लास्ट का एक पार्ट बचता है, हिस्ट्रेसिस। आई विल एडवाइस यू, आप एक बार ये पढ़ के जाना। ओके, एक बार रीडिंग करना, खास करके ग्राफ देख के जाना, मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन का ग्राफ है ये, इसको हिस्ट्रेसिस साइकिल बोलते हैं। ओके, जस्ट रीड एंड गो, जस्ट रीड एंड गो। ओके, डोंट लीव इट, जस्ट रीड एंड गो। ओके, डायग्राम थोड़ा करके जाना, ये ग्राफ जो है ना, ये ग्राफ हिस्ट्रेसिस लूप जो है वो करके जाना, ठीक है। बस इतना ही चैप्टर है। तो मेन इसका सबसे इंपॉर्टेंट आंसर कौन सा है, फेरोमैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन थ्योरी। फिर स्टार्टिंग में मैग्नेट का टाइम पीरियड फाइंड करना व्हेन सस्पेंडेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और जो बीच में छोटे छोटे डेफिनेशन थे उसके न्यूमेरिकल, जो मैंने 7 न्यूमेरिकल आपको दिए, नीचे पीडीएफ में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, मस्त बेकी पढ़ के लर्न बाय हार्ट करके जाना, ठीक है। सो आई होप दिस इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट चैप्टर वी डिस्कस, तो कॉन्फिडेंटली इस चैप्टर को करके जाओ, टाइम है आपके पास, डेरिवेशन लिख के लर्न करना, एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।